प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 68वीं बार अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई विषयों पर दिल खोलकर बात की। उन्होंने आज अपने कार्यक्रम में कोरोना संकट से लेकर किसानों की स्थितियों तक चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन को किस तरह एक बार फिर से पटखनी दी जा सकती है। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत गणेशोत्सव की बधाई के साथ की। उन्होंने कहा कि इन दिनों ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व चिंगम महीने में आता है। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो, खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता है कि घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार ने हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉयज प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक का रामनगरम में चन्ना पाटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। उन्होंने कहा कि टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हों, छोटे और लघु उद्योग हों, MSME हों, इसके साथ साथ बड़े उद्योगों और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। पीएम मोदी ने अब सभी के लिए लोकल खिलौने के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार की अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं, पीएम मोदी ने ये बात कही। और साथ ही प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है, क्या हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। देश के युवा टैलेंट से कहता हूं, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है, लेट द गेम्स बिगेन, तो चलो खेल शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने असहयोग आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था, उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वट वृक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दायित्व है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है, और जब समर्पण भाव हो, संवेदना हो, तो ये शक्ति असीम बन जाती है। करीब 7000 एंट्रीज आई, उसमें भी करीब करीब 2/3 ऐप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में देश के युवाओं के सामने एक ऐप इनोवेशन चैलेंज रखा गया। इस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप जरूर इन ऐप्स के बारे में जानें और उनसे जुड़े, हो सकता है आप भी ऐसा कुछ बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। प्रधानमंत्री ने भारतीय ऐप्स की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक ऐप है कुटकी किड्स लर्निंग ऐप। ये छोटे बच्चों के लिए ऐसा इंटरैक्टिव ऐप है जिसमें गानों और कहानियों के जरिए बात बात में ही बच्चे मैथ साइंस में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ भी हैं, खेल भी हैं। उन्होंने बताया कि तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है, इसका नाम है कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने बताया पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं
कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितनी जरूरी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में प्यूपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफ़ी प्रयास किए गए। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारतीय सेना से जुड़ी एक खबर भी बताई। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के जाबाज किरदारों का जिक्र करते हुए कहा कि सोफी और विदा इंडियन आर्मी के श्वान हैं, डॉग्स हैं और उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारी सेनाओं में हमें सुरक्षा बलों के पास ऐसे कितने ही बहादुर श्वान हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपना बलिदान भी देते हैं। कितने ही बम धमाकों को, कितनी ही आतंकी साजिशों को रोकने में ऐसे डॉग्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। कुछ समय पहले मुझे देश की सुरक्षा में डॉग्स की भूमिका के बारे में बहुत विस्तार से जानने को मिला, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भाव करने वाला दृश्य देखा होगा जिसमें बीट पुलिस अपने साथी डॉग्स रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज़्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से कोरोना को लेकर और साथ ही साथ किसानों को लेकर, चाहे फिर देश की रक्षा को लेकर के हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने देश के सामने, देश की आवाम के सामने मन की बात की और अपनी बात रखी।